मूवी में आप लोग देखेंगे कि दो लड़कियां एक बड़े से टीवी टावर पर क्लाइंबिंग करने के लिए जाती हैं, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में वो वहीं ट्रैप हो जाती हैं। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम यहां एक मैरिड कपल को देखते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। इनके साथ में हंटर नाम की फ्रेंड भी होती है। बहुत ही लो सेफ्टी के साथ में ये लोग क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। डैन सेफ्टी हुक को फंसाने के लिए एक होल में हाथ डालता है, लेकिन इतने में एक बर्ड वहां से अचानक से निकलता है जिसके बाद में डैन की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे लटक जाता है। डैन सरफेस को फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डैन का जो सेफ्टी हुक था वो निकल जाता है जिससे गिर के उसकी मौत होती है। अब 51 वीक्स बीत चुके हैं। बेकी को डैन के खोने का गम अभी तक है। वो इस बात से ओवरकम नहीं कर पाई है, एक्चुअली इस बात को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि डैन मर चुका है, और इसी के चलते उसने अभी तक डैन के एसेस को भी नहीं बहाया। अब बस बेकी के डैड ही है जिसे उसकी बहुत चिंता है, लेकिन बेकी डैन के अलावा कुछ सोचती ही नहीं है। वो खूब डिप्रेस्ड है जिसे उसके डैड अपनी न्यू लाइफ को दोबारा जीने को कहते हैं, मगर बेकी उन्हें इग्नोर करके घर लौट जाती है। घर जाने के बाद में वो फिर से डैन को कॉल करती है, और अब जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अब सुसाइड करने का ट्राई करती है। लेकिन इसी बीच अब उसकी फ्रेंड हंटर का कॉल आ जाता है। हंटर उससे लगभग एक साल बाद मिल रही है। हंटर से मिलकर बेकी खुश होती है। काफी लंबे समय से ब्रेक के बाद हंटर बेकी के साथ फिर से एडवेंचर पर चलने के लिए इनवाइट करती है। वो एक बंद पड़े B67 टावर की फोटो दिखाती है और कहती है कि हम लोग इस पर क्लाइंबिंग करने वाले हैं, इससे हमारी ओल्ड यादें ताजा हो जाएंगी। बेकी को डैन का गम अभी भी होता है, तो वो हंटर के साथ में जाने के लिए मना करती है। मगर अब ये रात बीतने के बाद में अगला दिन होता है, तो बेकी कुछ ऐसा सोचती है जिसके बाद में वो हंटर के साथ में क्लाइंबिंग पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। एक्चुअली वो ये सोचती है कि वो क्लाइंबिंग करने के लिए जाएगी और वहां पर वो डैन की एसेस को भी छोड़ देगी। दोनों लोग अब कार से उस टावर की ओर निकल जाते हैं। काफी लंबे सफर से चलने के बाद में जब शाम हो जाती है तो वो एक मोटल में आज रात के लिए रुकते हैं। वहां की वेट्रेस से पूछने पर पता चलता है कि B67 टावर जस्ट उनके सामने ही है। अब इस रात जब बेकी सो रही होती है तो उसे एक नाइटमेयर आता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। हंटर जो कि एक यूट्यूब व्लॉगर है, तो वो इस एडवेंचर को भी अपने फोन में रिकॉर्ड करती है। उनके यहाँ से जस्ट निकलते वक्त ही उनका एक्सीडेंट होने से बचता है, और इसके बाद में अब वो टावर की ओर निकल जाते हैं। टावर के करीब अब आ जाने के बाद में यहाँ पर अंदर ना जाने का साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिससे ये दोनों लोग अपनी कार को यहीं पर रोक के आगे पैदल ही चल देते हैं। टावर के पास में जाते समय दोनों लोग देखती है कि एक एनिमल को कुछ बर्ड्स मिलकर खा रहे हैं। हंटर इस चीज की पिक ले लेती है और अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है, जिसके बाद में उसे काफी ढेर सारे लाइक्स मिलते हैं। अब इस टावर के क्लोज जाने पर ये कितना ऊंचा और डरावना है, इस बात का पता साफ साफ चल रहा है। साथ में हवा चलने के कारण ये टावर इधर उधर मूव भी कर रहा है। हंटर तो इस टावर पर चढ़ने के लिए काफी कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन बेकी के अंदर की घबराहट अब बढ़ने लगी है। वो हंटर से कहती है कि वो ऊपर नहीं जा सकती, लेकिन अब यहाँ तक आ जाने के बाद में हंटर उसे वापस थोड़े ही न जाने देने वाली थी। अब हल्का सा बेकी को मोटिवेट कर देने के बाद में दोनों लोग इस पुराने बंद पड़े जंग लगे हुए अबेंडेंट टावर पर चढ़ने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों लोग कुछ दूरी तक चढ़ती हैं, मगर थोड़ी दूर पर चढ़ने के बाद में बेकी से सीढ़ी का एक डंडा टूट जाता है। इससे ये पता चलता है कि इस टावर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोनों लोग फिर से क्लाइंबिंग कंटिन्यू करती हैं। अभी तक इन दोनों ने 1000 फीट क्रॉस कर लिया है, जो कि आईफिल टावर से भी ऊपर है। यहां से देखने पर पास का टाउन एक टॉय सिटी जैसा लग रहा है। यहां पर हवा की ताकत और भी ज्यादा तेज होती है। यहां तक आ जाने पर अंदर की जो सीढ़ियां थी वो खत्म हो गई थी, और अब 200 फीट ऊपर बाहर की सीढ़ियों से होते हुए टॉप पर जाना है। बेकी तो बहुत ही डरी हुई है, लेकिन उसी के अपोजिट हंटर तो बहुत ही मजे में और भी ऊपर जाना चाहती है। हिम्मत करके बेकी भी ऊपर चढ़ने लगती है। सुनने में ये तो बहुत ही आसान लग रहा है कि बस सीढ़ियों पर चढ़ना ही तो है, लेकिन एक बार भी अगर नीचे की ओर देख लिया तो ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। ये टावर इतना पुराना है कि इसके कई सारे नट बोल्ट्स भी ढीले पड़ चुके हैं। अब इनको ऊपर जाते वक्त बीच में इनको एंटीना को क्रॉस करते हुए जाना है। दोनों लोग इस चैलेंज को भी किसी तरह पार कर लेते हैं। अब जब ये दोनों अपनी मंजिल के बेहद ही करीब होते हैं, तो पहुंचने से पहले हंटर मस्ती करते हुए सीढ़ी को हिलाने लगती है। हंटर ये फन के लिए करती है, लेकिन इसी दौरान एक नट बोल्ट निकलकर गिर जाता है। हंटर अब ऊपर पहुंच चुकी है, बेकी भी पहुंचने वाली है, लेकिन उसके सीढ़ियों पर जाते समय जो एक बचा हुआ नट बोल्ट था वो भी गिर जाता है। इस बात का इन दोनों को पता नहीं चलता है, बस वो अपनी मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सेलिब्रेट कर रही होती है। यहां तक पहुंचने के बाद बेकी का भी डर अब खत्म हो चुका था। ये जगह काफी ऊंची होती है, और अपने ब्लॉग के लिए हंटर ड्रोन से भी कई सारे शॉट्स लेती है, लेकिन हद तो तब पार होती है जब वो इस ब्लॉग को और
भी रिस्की बनाने के लिए बिना सेफ्टी के नीचे लटक के वीडियो शॉट्स लेती है। हंटर जब ऐसा कर लेती है तो वो बाद में बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। शायद बेकी पहले सुसाइड करने वाली थी तो वो अपनी जान को अहमियत ना देते हुए जैसा हंटर कहती है वो वैसा ही करती है। बेकी अपने साथ में डैन की जो एसेस लाई थी वो उसे यहीं पर सर्व कर देती है। अब कुछ देर हो जाने के बाद में अब इनका जब यहाँ पर काम पूरा हो जाता है तो ये दोनों यहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन किसी ऊंचाई जगह पर चढ़ने से ज्यादा उतरने में डर होता है। बेकी जैसे ही नीचे सीढ़ी पर अपना पैर रखती है तो सीढ़ी में नट बोल्ट न लगे होने के कारण वो अपने बेस में से निकल जाती है, जिससे बेकी अपने सेफ्टी रोप के सहारे नीचे लटक जाती है। हंटर भी बाल बाल नीचे गिरते हुए बची थी और अब इतनी ऊंचाई पर हंटर रस्सी को पहले लॉक करके अब बेकी को ऊपर खींच लेती है। अब बच तो गई है ये दोनों, लेकिन यहाँ से निकल कैसे पाएंगी क्योंकि इनके फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं है और मदद के लिए क्या कोई आएगा ये बात भी ये लोग नहीं जानती है। पास में उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है जिसे खोलने पर अंदर बाइनोकुलर्स और एक फ्लैश गन मिलती है। अब जैसा कि बेकी नीचे गिरी थी तो उसका बैग छूटकर एंटीने पर अटक गया होता है, उसी में पानी और बाकी सामान होता है और उसे इन्हें कैसे लाना है इस बात का भी आइडिया इन्हें नहीं है। बेकी को यहाँ पर साथ में चोट भी लग गई होती है। अब जैसा कि यहाँ पर नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं जिसके बाद में हंटर एक आइडिया लगाती है कि अगर फोन को रस्सी से बांध कर नीचे लटका दिया जाए तो शायद नेटवर्क्स आ जाएंगे। वो अपने इंस्टाग्राम पर हेल्प की पोस्ट डालती है और जब नेटवर्क्स मिलेगा तो ये पोस्ट ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। वो ऐसा करने की कोशिश करती तो है लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं बन पाता। अब इसके बाद में वो आइडिया लगाती है कि अगर फोन को जूते में रखकर नीचे फेंका जाए तो जरूर कोई बात बन जाएगी। साथ साथ में अब यहाँ पर यह भी डर होता है कि अगर फोन नीचे गिरेगा तो टूट भी सकता है और शायद इसी को बचाने के लिए ये लोग जूते का यूज कर रहे हैं। अब जैसा कि ये इनकी लास्ट होप थी तो दोनों लोग ऐसा ही करती हैं। अब फोन तो वो नीचे फेंक देती हैं जिसके बाद में अब इंतजार करने के अलावा इनके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अब कुछ देर बाद में टावर के पास में कुछ दूरी पर इन्हें कोई आदमी दिखता है। वो उससे हेल्प मांगते हुए ये दोनों शाउट करती हैं लेकिन कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं होता। इन दोनों का अगला प्लान ये है कि रात हो जाने पर इस फ्लेयर गन का यूज किया जाए। अब रात हो जाने पर बेकी फ्लेयर गन चलाती है जिसके बाद में कुछ दूरी पर जो ये दो आदमी थे उन्हें देख लेते हैं। इधर इन दोनों को लग रहा था कि अब वो बच गई हैं क्योंकि वहां जो नीचे शख्स थे उन दोनों ने उन्हें देख लिया था, लेकिन एक्चुअली वो जो दोनों शख्स थे वो चोर होते हैं और उनकी कार के पास में आकर उनकी कार चुरा ले जाते हैं। ये चीज जो इन दोनों के साथ में हुई है ये दोनों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब किसी तरह ये दोनों ये रात गुजार लेते हैं और अब अगला दिन होता है। इन्हें भूख और प्यास भी लगने लगी है जिसके बाद में हंटर अब नीचे जाके बैग को लाने का डिसाइड करती है। अपनी जान को रिस्क में डालकर वो इतनी ऊंचाई पर लटकते हुए बैग को लाने की कोशिश करती है लेकिन सेफ्टी रोप छोटी थी जिसके बाद में हंटर रोप खोल के फिर एंटीना पर छलांग मारती है। अब एंटीना पर आ जाने के बाद में उसे बैग मिल जाता है। बैग में से वो पहले सेल्फी स्टिक निकालती है और इसी स्टिक के जरिए पहले वो बैग को रोप में टांग देती है। रोप को ऐसे ही पकड़ पाना मुश्किल था इसलिए हंटर रोप को कूद कर पकड़ने का डिसाइड करती है। तेजी से कूदने के बाद हंटर फिर रोप पकड़ लेती है और वो फिर रोप के सहारे ऊपर जाने लगती है। अब अचानक से हंटर की पकड़ यहाँ पर छूटती है और वो नीचे गिरने लगती है। बेकी को लगता है कि शायद हंटर नीचे गिर गई लेकिन उसने रस्सी पकड़ ली थी, उसके सिर्फ हाथ छिले थे और बाद में बेकी हंटर को ऊपर खींचने लगती है। ऊपर आने के बाद में बेकी बैग से पानी निकालकर पीती है। इसके बाद में वो एक पेपर निकालकर उस पर एक हेल्प नोट लिखती है और इसे ड्रोन पर लगाकर नीचे भेज देती है। वो ड्रोन को कुछ दूर उड़ाती है लेकिन ड्रोन में लो बैटरी होने के कारण ड्रोन को वापस लाना पड़ता है। अब ये दिन भी बीत जाता है और रात हो जाती है। आज की रात बेकी के लिए बेहद ही डरावनी है, उसे कई नाइटमेयर्स आते हैं लेकिन ऊपर की फ्लैश लाइट को देखते वक्त बेकी को कुछ आइडिया आता है। अब जब सुबह हो जाती है तो हंटर बेकी को मोटिवेट करके वहाँ जो लाइट लगी हुई थी ऊपर चढ़ के वहाँ पर ड्रोन को चार्ज करने को कहती है। बेकी पूरी हिम्मत और मेहनत करके टावर के ऊपर जाने का ट्राई करती है। अब जब वो ऊपर चढ़ रही होती है तो यहाँ से नीचे की ओर देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बेकी के ऊपर पहुंच जाने के बाद में वो ऊपर की लगी हुई लाइट को खोलती है और उसमें ड्रोन का चार्जर लगाकर चार्ज करने की कोशिश करती है, मगर चार्जर सॉकेट से छोटा पड़ रहा था जिससे बेकी उसमें अपनी रिंग डाल देती है और बाद में अब ड्रोन चार्ज होने लगता है। ड्रोन के चार्ज होते वक्त कुछ समय लगने वाला था। बेकी ऐसे ही पोल को पकड़ के लटकी होती है मगर तभी बार बार पास के बर्ड्स आकर उस पर हमला करने लगते हैं। काफी देर के स्ट्रगल के बाद में अब ड्रोन चार्ज हो जाता है लेकिन बर्ड्स के लास्ट बार हमला करने पर बेकी के पास में जो बैग था वो नीचे गिर जाता है। बेकी उसे छोड़कर अब नीचे आ जाती है। अब इसके बाद में फिर से वो ड्रोन पर रेस्क्यू नोट लिखकर उसे उड़ा देती है। ड्रोन उड़ते हुए मोटेल की तरफ जा रहा होता है लेकिन इतने में एक ट्रक वाला ड्रोन से टकरा जाता है और बेकी की लास्ट उम्मीद यहाँ पर जो थी वो भी ड्रोन के साथ में टूट जाती है। गाइस अभी तक बेकी की तरह आपको भी लग रहा होगा कि हंटर उसी के साथ है, लेकिन पिछली बार जब चढ़ते वक्त हंटर से रोप छूटा था तो वो वहीं नीचे एंटीना पर गिर के मर गई थी। बेकी ने सिर्फ बैग ही ऊपर खींचा था मगर बेकी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि हंटर मर गई। इस बात से बेकी को बहुत ही
आशा होती है। वो लास्ट बार अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। इस तरफ उसके डैड भी कई बार उसे कॉल करने का ट्राई कर रहे थे। अब रात में बेकी तूफान का सामना करते हुए किसी तरह ये पल गुजार लेती है और अगला दिन जब होता है तो बेकी की आंख खुलने पर वो देखती है कि वही बर्ड उसकी चोट को खा रहा है। मगर बेकी अब उठ के बर्ड के गर्दन को पकड़कर उसे मार देती है। वो उसे बुरी तरह से मार देती है जिसके बाद में बेकी अब उसी के मांस को खा के आगे सरवाइव कर पाती है। अब इन सब के बाद में बेकी के मन में एक आइडिया आता है। वो नीचे हंटर के पास एंटीना पर जाने का डिसाइड करती है। वो रस्सी पर लटकते हुए एंटीना पर जाने की कोशिश करती है और आखिरकार कुछ कोशिशों के बाद में वो एंटीना पर अब आ गई होती है। यहाँ बेकी के पास अब लास्ट प्लान बचा होता है। वो अपने फोन पर डैड को हेल्प का मैसेज सेंड करके उसके पास में जो जूता था उसके अंदर फोन डाल के फिर बाद में ये जूता हंटर की बॉडी के अंदर डाल देती है। अब वो हंटर की बॉडी यहाँ से नीचे फेंकती है और उसकी होप यही है कि इस बार अब फोन नहीं टूटेगा, और ऐसा होता भी है। हम देखते हैं कि बेकी के डैड टावर वाले स्पॉट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर कई सारे पुलिस भी हैं। बेकी के डैड को पहले लगता है कि शायद सामने वाली डेड बॉडी बेकी की ही है, लेकिन बेकी दूसरी ओर एकदम सही सलामत होती है। दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश होते हैं। बेकी लास्ट में सिर्फ बचती है और इसी के साथ में इस मूवी का यहाँ पर एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2022 में हाल ही में रिलीज हुई फॉल मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।